डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ की सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फिजिक्स में एक नए खंड की शुरुआत करते हुए एक नए चैप्टर की भी शुरुआत किया है। नए चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र है और नए खंड का बात करें चुंबकत्व है, जिसके अंदर के दो चैप्टर है, जिसमें हम पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पिछले दिन चुंबक का बल के गुण के बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में भी पढ़ा था, चुंबकीय गुण के भी नियम के भी बारे में पढ़ा था, चुंबक बल का नियम। और उसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ था, पता चला था कि जैसे कूलॉम के नियम हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, वैसे ही कंडीशन, वैसे ही फार्मूला, वैसे ही व्यंजक हम लोगों को प्राप्त हुआ है चुंबकीय बल के नियम में। तो पिछले दिन हम लोग चुंबकीय बल के जो नियम है उसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ था कि चुंबकीय बल का जो मान है, इसको FM भी बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। M फॉर मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, फोर्स मतलब बल, तो FM मतलब चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला आया था म्यू नोट बाई 4π इंटू P1 P2 बटा R स्क्वायर। दोस्तों, P1 P2 क्या है? ध्रुव प्राबल्य है। जिस तरीके से कूलॉम के नियम में Q1 और Q2 दो आवेश हुआ करते थे, ऐसे ही चुंबकीय बल में दो ध्रुव प्राबल्य हैं। और हम लोग ध्रुव प्राबल्य जानते हैं, ध्रुव प्राबल्य का मतलब हुआ दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उसी से मिलता जुलता ये भी ध्रुव प्राबल्य है, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी अगर आर है तो आर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और म्यू नोट का वैल्यू तो जानते हैं, 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है म्यू नोट का मान। और P1 और P2 ध्रुव प्राबल्य हैं, इनका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो पिछले दिन हम लोगों ने यह फार्मूला प्रूफ किया था। अब इस पे आइए चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को करते हैं आज। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाए किसी चुंबक के दो ध्रुव प्राबल्य, किसी चुंबक के दो ध्रुव प्राबल्य क्रमशः एवं 3.75 एम्पियर मीटर है। यदि इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी चुंबक पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। चलिए देखा जाए, तो यहां से हमें चुंबक पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। जरा सवाल देखिए अच्छे से, तो पता चल रहा है हम लोगों का
कि एक चुंबक है और चुंबक का दो ध्रुव प्राबल्य है। एक किसी को भैया आप P1 बोल लो, किसी को आप P2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें P1 का वैल्यू दे दिया 2.05 एम्पियर मीटर, ठीक है। और दूसरा ध्रुव प्राबल्य कौन सा है? P2। और P2 का वैल्यू कितना दिया है? 3.75 एम्पियर मीटर। फिर बोला गया कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, यानी कि R दूरी होता है 2 मीटर। तब हमें बोल रहा है कि चुंबकीय बल का मान निकालें, यानी कि F का मान निकालना है, या FM भी बोल सकते हैं, इसका मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो FM का फार्मूला में आप देख पा रहे होंगे, चूंकि FM का फार्मूला कितना होता है, μ0 बटा 4π इंटू P1 इंटू P2 R2। और μ0 क्या है? एक स्थिरांक है। और इस स्थिरांक का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 4π × 10⁻⁷। 4π × 10⁻⁷ बटा में 4π गुना में P1। तो P1 कितना रखा? 2.05। P2 कितना रखा? 3.75 बट्टा R2। तो R2 का मतलब कितना? R का वैल्यू है 2, तो पावर 2 कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच क्या रहा है? 10⁻⁷ इंटू इसका इसका कैलकुलेशन करना है। तो 205 रख दिया इंटू 375 रख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 है, और ये वाला पॉइंट हटा तो नीचे 100 आया, ये वाला पॉइंट हटा तो भी नीचे 100 आया। अब देख पा रहे होंगे हम लोग कुछ कट आउट हो रहा है, जैसे ये अगर कट हो, ठीक है, ये अगर कट हो तो कितना बनेगा? तो 20-25 सौ। और ये कट हो तो कितना बनेगा? 41, ठीक है। फिर से ये कट हो 4 बार में, तो ये कट कितने बार में होगा? 535, 25-25, ठीक है। ये 5 × 20 तो 75-25। और कुछ कट होगा भाई? तो 20-25 सौ, 15-25, 75 ना। फिर से 5 बार में, तो 5 × 20, 5 × 15। तो टोटल अगर देखा जाए तो 10⁻⁷ इंटू 41 इंटू 3 × 16, 16 × 64। तो 41 को 3 में गुना किया, 3 × 12, यानी 123 को कितना से डिवाइड करना? 64 से। तो कितनी बार में होगी? 64 से एक बार में होगा 64, क्योंकि 64 दूना कितना होता है? 128, इसलिए एक बार में लगेगा। कितना होगा यहाँ पे? 9 × 4 = 13, 3 × 1 = 59 होगा ना। और 59 से फिर कितना बार में लगेगा? पॉइंट देंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 9 बार में लगेगा। 9 × 6 = 36 की 6 × 3 = 3, 9 × 6 = 54 और 3 × 57, यहां बचेगा 4, 1 कटकुट। यानी कि इसका हम कैलकुलेशन किए पूरा को, यानी कि बोल सकते हैं इसको गुना किया तो 123 बटा में 64 गुना में 10⁻⁷। फिर अगर आगे बात करें तो इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 1.9 गुने 10⁻⁷ न्यूटन। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेना। कभी कभी होता क्या है कि सब कुछ का वैल्यू हमें दिया रहेगा, चुंबकीय बल वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, चुंबकीय बल का वैल्यू दिया रहेगा,
म्यू नोट बटा 4 पाई P1 P2 सब दिया रहेगा, हमें आर भी बोल सकता है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ऐसा भी सवाल हमें पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल ऐसे सवालों के लिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा जाए किसी चुंबक के दो ध्रुवों का मान क्रमशः दो ध्रुवों का मान क्रमशः पांच एम्पियर मीटर तथा 4 एम्पियर मीटर है इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी कितना रखा जाए कि वन पॉइंट टू फाइव गुना 10^-7 न्यूटन का बल प्राप्त हो, चुंबकीय बल प्राप्त हो, दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी कितना रखा जाए कि उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल का मान 1.25 × 10^-7 न्यूटन का बल प्राप्त हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, किसका किसका वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या सवाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चंस बोला है बिल्कुल आसान बोला है, ज्यादा भारी नहीं है। बस अब सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि किसी भी सवाल में हमें किस किस चीज का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना नंबर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 2 ना अभी बोले, इसमें आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, तो दो ध्रुव प्राबल्य है जिसको P1 बोल रहे हैं, और एक वो 5 एम्पियर मीटर है और दूसरा ध्रुव प्राबल्य 4 एम्पियर मीटर है। दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी हमें निकालना है, दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी R होता है, R का मान हमें क्या करना है, निकालना है। कब, जब हमें चुंबकीय बल दिया हुआ है 1.25 × 10^-7 न्यूटन। सोचो भाई, आपको तो उसी फार्मूला से चलना है, चलते 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 R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चंस में हम आपको हिंट्स कर दिए कि किसका किसका मान दिया हुआ है और किसका मान हमें निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, चूंकि फार्मूला से चलेंगे, FM = μ0/4π × P1P2/R2। ठीक है, P1P2/R2। अब FM का तो वैल्यू हम यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है, म्यू नोट का वैल्यू 4π × 10^-7 रख देंगे यहाँ पे, P1P2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बटा में R2, यानी कि R का वैल्यू जो कुछ भी होगा हमें नहीं पता, तो R का वैल्यू R2 छोड़ देंगे, और सबका वैल्यू आप रखने के बाद R का वैल्यू खुद से निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम
आपके लिए छोड़ते हैं कि आर का वैल्यू आप कैसे निकाल पाते हैं। इन क्वेश्चंस को बनाकर जरूर से जरूर भेजना है, ट्राई तो करना ही है। मान लिया कि गलत होगा बताएंगे तो हम ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा जाए। क्वेश्चन, किसी चुंबक का एक ध्रुव प्राबल्य एक ध्रुव प्राबल्य 7.25 एम्पियर मीटर का है, 7.25 एम्पियर मीटर का है, एम्पियर मीटर का है, तो दूसरा ध्रुव प्राबल्य का मान क्या होगा यदि दूसरा ध्रुव प्राबल्य का मान क्या होगा यदि यदि इन दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी इन दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी 3 मीटर है और इन पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान -9 न्यूटन है। इन पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान 725 × 10⁻¹⁹ है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या दिया है सवाल में। भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में जरा देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला कि P1 का वैल्यू कितना है, तो 7.25 एम्पियर मीटर, ठीक है। P2 कितना है यानी कि दूसरा ध्रुव प्राबल्य कितना रखा जाए यानी कि वाट, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 3 मीटर और कुल चुंबकीय बल कितना दिया है, तो चुंबकीय बल जो टोटल उत्सर्जित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो है 725 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। तो हमें क्या करना है, P2 निकालना है। तो फार्मूला तो वही यूज करना है। इस फार्मूला में करना क्या है, Fm के जगह पे ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और म्यू नोट का वैल्यू वही का वही छोड़ देना है, मतलब कि 4π × 10⁻¹⁷ ये रख देना है, बट्टा में क्या 4π × P1 7.25 और P2, तो P2 निकालना है, P2 का P2 छोड़ दीजिएगा। R स्क्वायर R का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ ये सब कर देना है और करते करने के बाद आपको P2 का वैल्यू पता चलेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिएगा। तो कुल मिलाकर हम 2-3 क्वेश्चंस किए इस पे चुंबकीय बल पे, जिसका फार्मूला आया था म्यू नोट बटा 4π P1 P2 / R2। दोस्तों ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, तो मिलता जुलता है हम लोगों का कूलम के नियम से, ठीक है, कूलम के नियम से, उसी से एकदम जस्ट हम लोगों का मिल रहा है। क्योंकि वहां था क्या, म्यू नोट बटा 4π Q1 Q2 / R2, यहाँ है म्यू नोट बटा 4π P1 P2 / R2। चलिए उसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक देखें, पढ़ना शुरू करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक देंगे, उसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे। फर्स्ट एरो दिया जाए, इसके नीचे लिखा जाए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र संख्यात्मक रूप से कॉमा उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण ध्रुव पर प्रति एकांक परीक्षण ध्रुव पर लगने वाला बल है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला ब्रैकेट में टी या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको वेबर को डब्लू बोलते हैं, पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके नीचे हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी का वेक्टर से सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग यहां पर देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल होता है। एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल का मतलब क्या है? जरा इन चीजों को समझते हैं। एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं यहां पे कि एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ बट्टा पी नॉट। देखिए अब आप बात समझिए, अभी हम चूंकि जाने ना कि चुंबकीय चुंबक में उसका ध्रुव प्राबल्य होता है, ध्रुव पाया जाता है। अब वही ध्रुव प्राबल्य को तो हम लोग P1 P2 बोल रहे थे अभी फिलहाल, यहां पे भी कुछ वैसा ही है। यहां पे बोला गया कि एकांक ध्रुव पर यानी कि ये पी नॉट क्या बता रहा है? ध्रुव प्राबल्य को बता रहा है। तो ये ध्रुव प्राबल एकांक ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल F को हम लोग B कहते हैं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां पे B का मतलब क्या है दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र। और F का मतलब क्या होता है? बल। P नोट का मतलब क्या? ध्रुव, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या आएगा? तो F बटा पी नोट यानी कि एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब रहा बात कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। और ये वेक्टर ऊपर जो तीर का निशान लगता है ना, यह एक सदिश राशि को व्यक्त करता है। हम लोग 11th क्लास में अदिश राशि और सदिश का पढ़ते थे। अदिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिमाण, लेकिन सदिश का मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक
सदिश राशि है और इसका डेफिनेशन क्या है, तो एकांक ध्रुव, एकांक मतलब बट्टा में, एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक पूछा जाता है टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है और या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोग लिखें। अब अगर कुछ कंडीशन में लगने वाला चुंबकीय बल और ध्रुव प्राबल का वैल्यू दिया जाए तो उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे और फिर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के तौर पर लिखा जाए क्वेश्चन, किसी चुंबक के किसी चुंबक के 10.5 एम्पियर मीटर ध्रुव प्राबल्य से लगने वाला चुंबकीय बल का मान, लगने वाला चुंबकीय बल का मान 100 न्यूटन हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा भाई, जब चुंबकीय बल और ध्रुव प्राबल्य का मान दिया रहेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं चीजों को तो क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि किसी ध्रुव प्राबल्य है चुंबक का, वो कितना दिया है, तो ध्रुव प्राबल्य यानी कि पी नॉट दिया है 10.5 एम्पियर मीटर और इस पर लगने वाला जो बल है ना एफ वो कितना है, तो इस पर जो लगने वाला बल है जिसको एफ बोलते हैं वो 100 न्यूटन लिखा है, 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन जब लिखा हुआ है और फिर हमें बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र निकालो, क्या करो चुंबकीय क्षेत्र निकालो। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बट्टा पी नॉट, तो यहां पे एफ कितना है 100 बट्टा में 10.5। आपको पता है 100 बट्टा ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, 105। अब 5 से कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये कितना बार में 21 बार में, तो 200 बट्टा में 21 और डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा उतना क्या टेस्ला, ठीक, टेस्ला क्यों, क्योंकि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो हम लोगों को आंसर किस में आता है, टेस्ला में आता है, सिंपल वे में आप डिवाइड कर लीजिएगा। उसी तरीके से अगर तीन चीज में कोई भी दो चीज दिया रहे और कोई एक चीज पूछे तो हम लोग उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन और लिखा जाए जो आप खुद इसको बनाएंगे, लिखा जाए किसी चुंबक का उसके ध्रुव प्राबल्य द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल का मान थ्री पॉइंट टू फाइव न्यूटन है तो ध्रुव प्राबल्य का मान कितना रखा जाए कि
ध्रुव प्राबल्य का मान कितना रखा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र 2.5 टेस्ला हो जाए, 2.5 टेस्ला हो जाए, 2.5 टेस्ला हो जाए। सवाल क्या बोला कि लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि F का वैल्यू दिया है, ध्रुव प्राबल्य का पता नहीं है लेकिन ध्रुव प्राबल्य के द्वारा लगने वाला बल पता है यानी कि F का वैल्यू पता है, पीनोट पता नहीं है, पीनोट बराबर वाट, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, हमें पता करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं पता करना, चुंबकीय क्षेत्र का तो वैल्यू दिया हुआ है 2.5 टेस्ला है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दिया है, हमें निकालना क्या है तो पीनोट निकालना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा और आज के क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक्स को, नए टॉपिक्स को सीखेंगे, तब तक धन्यवाद।